हिमाचल की राजधानी शिमला में पुलिस को देह व्यापार से जुड़े एक गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। देर रात को पुलिस ने होटल में दबिश देकर इस गिरोह में शामिल 3 लड़कियों और 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि शिमला के एक निजी होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इस पर पुलिस की टीम ने शिमला के कार्ट रोड स्थित अप्सरा होटल में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने यहाँ से 3 लड़कियों को पकड़ा, जिनमें रमनदीप कौर पुत्री जक्सर सिंह VPO ढांगा मुक्तसर साहिब पंजाब, उम्र 23 वर्ष, मनीषा राय पुत्री मान बहादुर राय निवासी PWD पारा, चलसा महावीर जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल आयु 25 वर्ष और प्रतिमा मोंग पुत्री मैग्रुफू चाई मोंग दक्षिण मोंग परम VPO सेमा पश्चिम बंगाल को पकड़ा। देह व्यापार की तरह बाहरी राज्यों से जुड़े हैं। शिमला के पास इलाके में कार्ट रोड में इस तरह के अवैध तरीके से चल रहे देह व्यापार के सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस सत्रों का कहना है कि देह व्यापार का यह धंधा शिमला के कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। ऐसे में आज होटल स्टाफ से भी इस बारे में पूछताछ होगी। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IPM।